टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के वीरानी पेट्रोल पंप पर गैस भराने के लिए लाइन में लगे ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से 10-10 रुपए की अवैध रूप से वसूली का मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइन में लगे ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से एक व्यक्ति अवैध रूप से पैसों की वसूली कर रहा है। पेट्रोल पंप पर जो ग्राउंड है पेट्रोल पंप का, उस परिसर के बाहर नूरानी टावर तक गैस भरने के लिए यहाँ पर ऑटो रिक्शा की लाइन लगती है और यहीं पर यह अवैध रूप से वसूली का मामला सामने आया है। वहीं वीरानी पेट्रोल पंप के तरफ से अब्दुल हक ने बताया है कि पेट्रोल पंप का कोई भी स्टाफ का व्यक्ति इस तरह से ऑटो रिक्शा ड्राइवर से अवैध रूप से पैसे वसूली नहीं करता है। अगर पेट्रोल पंप के दायरे से बाहर ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से लाइन में लगने के लिए पैसे की वसूली कोई भी करता है तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर उन लोगों को पैसा ना दे। ऑटो रिक्शा में जितना वो गैस भराते हैं उतना ही पैसा वो दे ऐसे अन्य किसी व्यक्ति को जो अवैध रूप से वसूली का मामला सामने आ रहा है, 10 रुपये, 5 रुपये, तो इस तरह का अगर कोई भी व्यक्ति मांगता है तो उसे पैसे ना दे। वहीं ये भी माना जा रहा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवरों की भी ये गलती है कि अगर पैसेंजर के पास कभी 1-2 रुपये कम हो जाता है तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर कई बार लड़ते झगड़ते हुए नज़र आते हैं, मगर यहाँ पर अवैध रूप से 10-10 रुपये की वसूली प्रतिदिन की जाती है, मगर कोई भी ऑटो रिक्शा ड्राइवर यहाँ पर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं रहता है और 10-10 रुपये देकर ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर वहाँ लाइन में भी लगते हैं। वैसे ही अवैध रूप से वसूली का पूरा वीडियो सामने आया है और ये मामला अब संज्ञान में आने के बाद ट्रैफिक विभाग को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं पेट्रोल पंप के बाहर जो लाइन में लगे ऑटो रिक्शा ड्राइवर से अवैध रूप से पैसों की वसूली करते हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई ट्रैफिक विभाग को करना चाहिए। वैसे अवैध रूप से वसूली का ये पूरा वीडियो भी आपको दिखाते हैं और वीरानी पेट्रोल पंप की तरफ से अब्दुल हक ने साफ तौर पर कहा है कि लाइन में जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर लगते हैं बाहर, कोई भी व्यक्ति उनसे अगर पैसों की वसूली करता है तो वो पैसे ना दें। भाई अभी मेरे को एक बात ये बोलो, बैटरी नहीं लाए, इन्हें गैस की लाइन लगा रहा, पैसा लेता है फिर से 2 रुपये लेता कई के लिए? पंप का कोई आदमी नहीं है ना, जो है पगार वगैरह पे नहीं है ये। हाँ खड़े रहते दोस्त, मेरे को एक बात बताओ, अपन गैस जलाते गाड़ी में, पंप वाला अंदर जाने के कितने लेता पैसे? तो वहाँ से तो 10 रुपये ले रहा था, अभी तो 2 रुपये ले रहा। तो 10 रुपये कहीं के लिए लेता हूँ? फोड़ने के लिए जाता और क्या, गाड़ी अंदर जाने के 10 रुपये लेता हूँ। रिश्वत देने वाले, देने वाले देते, अपन लोग खैर नहीं देते घर पे, रिश्वत लेता हूँ। रिश्वत नहीं है वो, गाड़ी फोड़ने के लेता है, चाय पानी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हक है। यहाँ पर जो पैसे वसूलने की बात सामने है, जो गैस भरने के लिए ऑटो रिक्शा वाले आते हैं उनसे पैसे वसूला जा रहा है 10 रुपया, 5 रुपया, तो क्या पूरा मामला है, ये कौन लोग हैं जो पैसे वसूल रहे हैं? सर ये जो भी वीडियो वायरल हुई है, गेट के बाहर जो भी बंदे हैं वो वीरानी ऑटोमोबाइल या वीरानी पेट्रोल पंप से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी स्टाफ गेट के अंदर है वो ही वीरानी ऑटोमोबाइल्स का स्टाफ है और मैं रिक्शे वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो भी कैश डालते हैं उसका पैसा पूरा दीजिए, आप अपना मीटर देखिए और बाकायदा वहाँ दिखाया हुआ है कि मूल्य राशि आप अदा कीजिए, एक्स्ट्रा पैसा किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा कहा जा रहा है कि जो लाइन लगती है वो लाइन लगाने के लिए लिया जा रहा है, अगर लाइन में पैसे ना दे पेट्रोल तो यहाँ पर भरते नहीं गए, ऐसा लाइन वालों से कोई भी लेने देना नहीं है, पेट्रोल पंप का स्टाफ वो नहीं है।
जो वसूली कर रहे हैं वो कौन है? सर, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ रिक्शे वालों से कि आप किसी को भी एक रुपया ना दें, और आप जो भी गैस भरते हैं वो गैस का पैसा आप दीजिए। आउटसाइडर आपको अगर कुछ भी बोले तो आप उनसे बिल्कुल एक रुपया भी मत दीजिए।